वहीं रुद्रप्रयाग स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर अनदेखी का शिकार है। इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था, मगर अब स्थिति यह है कि मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुविधाओं की कमी है। आलम यह है कि मंदिर परिसर में टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है। मान्यता है कि इस जगह पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था। जैसे कोई गेस्ट आता है तो उसको रहने की एक उचित व्यवस्था नहीं है। मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है तो बारिश के मौसम में हो चाहे बर्फबारी के मौसम में हो, यहाँ तक कि जूते उतारने की भी व्यवस्था नहीं, शौचालय भी नहीं है। कई बार अवगत कराया गया है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी के जो मुख्य सलाहकार हैं उनसे भी मुलाकात करके उनको बताया गया है, लेकिन सरकार इसका संज्ञान नहीं ले पा रही है। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।